नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। टिकटॉक पर बैन से लगा कंपनी को तगड़ा झटका, भारत में रोजाना 3.5 करोड़ का नुकसान। दुनिया की मशहूर ऐप टिकटॉक पर भारत में बैन लगने से कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। टिकटॉक ऐप पर संचालन करने वाले कंपनी बीजिंग की बाइट डांस टेक्नोलॉजी को रोजाना 3.5 करोड़ रुपए का झटका उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा 250 कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा बना हुआ है। हालांकि टिकटॉक से यूजर्स स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए से शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं और यह दुनिया के सबसे मशहूर एप्स में से एक है। यह तकरीबन भारत में 300 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है। वही दुनिया भर में इस ऐप को 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। ऐप के जरिए बॉलीवुड के डायलॉग, जोक्स, गानों पर यूजर्स वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें लिपसिंग से लेकर लोकप्रिय गानों और म्यूजिक पर डांस भी करते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को इस ऐप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केंद्र को टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में सुनवाई शुरू होते ही टिकटॉक ऐप पर मालिकाना हक वाली कंपनी बाइटडांस की ओर से वरिष्ठ मनु सिंघवी ने कहा कि उसे रोजाना 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है और 20 लाख से अधिक इसके उपभोक्ताओं की सुरक्षा उपाय खतरे में है। दूसरी ओर जहां देखा जा रहा है कि टिकटॉक ऐप यूजर्स के लिए खुशखबरी, टिकटॉक फिर से होगा डाउनलोड, कोर्ट ने आदेश उठाया। बहुचर्चित टिकटॉक ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के आरोप में टिकटॉक ऐप पर मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने के बाद अब वापसी ले ली है। टिकटॉक ऐप बंद करने का जो आदेश था उस पर अंतिम बार सोच लिया जाए, नहीं तो इस ऐप पर फिर से बंदी उठाई जा सकती है। ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय को दिया था, जिसके लिए 24 अप्रैल तक आदेश दिया था, जिसके चलते उच्च न्यायालय ने बंदी उठाई जहां होकर, जिसके लिए यूजर्स और कंपनी को बड़ा दिलासा हासिल हुआ। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।